पता है, कुछ चीजें जब तक तुम अपनी आंखों से ना देखो, तुम उन नजारों को महसूस ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हुआ जब हम अपनी हाउस बोट से सुबह सुबह उठ के बाहर निकले। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के अराउंड 5 बजे है और इस सीन को देखने के लिए मैं उठा हूँ। हाउ द डल लेक लुक्स इन द मॉर्निंग एंड इट इज लुकिंग लाइक ब्यूटिफुल। और आप मेरे चेहरे पे टैन लाइन देख सकते हैं, 5-7 दिन घूम कर पूरा चेहरा ठंड और धूप में एकदम ऐसा अजीब सा हो गया। लुक द व्यू, इट्स कोल्ड। स्टेइंग इन हाउस बोट्स रात बहुत ठंडी हो जाती है, तो अपने स्वेटर जैकेट्स लेकर आए। और वही समर्स में डल लेक का व्यू कुछ और ही होता है, पर ये वीडियो डल लेक के बारे में नहीं, एक ऐसी जगह के बारे में है जहाँ दुनिया भर से लोग ग्लेशियर देखने आते हैं। पीछे हल्की सी स्नोई पीक्स दिख रही है हमको, आगे हाईवे पूरा जाम है और सारा रास्ता बंद है क्योंकि आर्मी कॉन्वॉय निकल रहा है। पर रास्ते में चलते चलते हमने कुछ दोस्त बना लिए, उनसे मिलवाता हूँ आपको। फाइनली वी हैव रीच्ड गुलमर्ग और देख सकते हैं ब्यूटीफुल नज़ारे। गुलमर्ग दो शब्दों को तोड़ के बनाया गया है, गुल एंड मर्ग, विच मीन्स मेडो ऑफ फ्लावर्स। बट मुझे फ्लावर्स तो यहाँ कम दिख रहे हैं, बट स्नो बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलते हैं, अपना फर्स्ट फेज गंडोला है, यहाँ से एंट्री है। टैक्सी वगैरह भी ले जाते हैं यहाँ से, पोनीस भी ले जाते हैं, बट हम पैदल पैदल चलेंगे क्योंकि किसी ने बताया था 1 किलोमीटर का ही रास्ता है, आप आराम से पैदल पैदल जा सकते हैं। लेट्स गो अंदर सर। ये चल रहा है घोड़े वाला बात और ये चल रही है रोड, और उस ठीक सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ग्रीन कलर की, वही है गंडोला का बोर्डिंग पॉइंट। और हम पैदल पैदल चल रहे हैं और यहाँ से गेट मुश्किल से 300 मीटर है और उधर मुश्किल से 500 मीटर है। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि घोड़े वगैरह ना करें, पैदल पैदल ही जाएँ क्योंकि बहुत पास में ही है, बड़े भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 800 मीटर आप चल सकते हैं, बहुत पास में ही है। घोड़े और गाड़ी वाले एकदम मन मांगी रेट मांगते हैं। खिलन मार्ग ले जाएगा, खिलन मार्ग अंग्रेज खेलते थे वहाँ पर। अच्छा, आज भी फेमस वहीं पर है, सरेच है, सिक्की है। अच्छा, आइस स्केटिंग भी चल रही है अभी ऊपर। चल रही है? हाँ चल रही है, इसीलिए तो जा रहे हैं ना। अच्छा, ऊपर होटल वगैरह भी है रहने के? हाँ, ऊपर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, खाने पीने का होटल है, खाने पीने का। तो हमने वहाँ से चेक इन कर लिया है, अब यहाँ पर आ गए हैं इस बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा और फिर यहाँ से गंडोला में बोर्ड हो जाएंगे। लेट्स गो। ऑनलाइन टिकट के बाद भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन ही टिकट्स हो रहे हैं, ऑफलाइन टिकट्स हो ही नहीं रहे हैं। ये पूरी लाइन लगी हुई है अंदर, ऑनलाइन टिकट्स वाला के लिए स्लॉट के हिसाब से। सो वी आर इनसाइड द गंडोला राइड और आधे घंटे का वेट करने के बाद यू कैन सी, और काफ़ी अच्छी हाइट है और जब वो पोल्स के बीच में आता है तो पूरा ऐसे हिलता है, ऐसे करता है। ऊपर जा रहे हैं हम फर्स्ट फेज की ओर, फिर वहाँ से देखते हैं अगर ऑनलाइन सेकेंड फेज के टिकट्स ऑनलाइन ही मिलते हैं, फर्स्ट फेज के भी ऑनलाइन ही मिल रहे हैं अभी। कई बार क्या है, ऑनलाइन टिकट्स लेना लोग प्रेफर नहीं करते, सोचते हैं आगे ही टिकट लेंगे, बट यहाँ ऑनलाइन टिकट्स ही चलते हैं। तो कई लोग देखिए वहाँ पर चल के ऊपर आ रहे हैं और चलने के बाद वो काफ़ी दूर है,
सो वी हैव रीच्ड द एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट फेज और यहाँ हल्की हल्की ठंड हो रही है। सेकेंड फेज का हमारा ऑनलाइन टिकट नहीं है, वहाँ आप बर्फ़ देख सकते हैं पूरी। सेकेंड फेज पे अभी आपको स्नो मिल जाएगी और यहाँ भी हल्की हल्की ठंड हो रही है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा जैकेट निकाल के पहन लेता हूँ पहले, फिर आगे देखते हैं। अगर हमें घोड़े वगैरह करने हो तो 1500 rupees बोल रहे हैं, बाकी आप कोई टैक्सी वाला सीन है यहाँ पर, अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो वो भी हो जाएगा। और 800 तक मैंने एक मना लिया है अभी, पर देखते हैं और अगर कम करता है तो। सो हमने 3 पोनीज की है, एक का नाम है लालू, एक का नाम है रैंचो, एक का नाम है मुस्की, और जिस पे मैं बैठा हूँ उसका नाम है मुस्की एंड वो सबसे बदमाश है, इधर उधर भाग जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, वापस उसको पकड़ के एकदम मुस्के खिलाना पड़ता है। मुस्के दैट इज़ द पॉइंट जहाँ हमको जाना है एंड मुस्की एंड यू आर इन्जॉइंग द बाइक। पूरा रास्ता कीचड़ और पानी से भरा हुआ है, तो आप पैदल पैदल जा ही नहीं सकते, और अभी तक मेरे को लगता है शूज़ और स्वेटर की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप घर से नॉर्मल जैकेट लेकर आए हैं तो नॉर्मल शूज़ पहन के आएँ तो वो सफिशियंट है, और इधर से अगर आप घोड़ी पर आते हैं तो इट हैज़ फैंटास्टिक व्यूज़। सो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट जहाँ का बोल के ये सारे घोड़े घोड़े हैं। दिस इज द स्नो, ये स्लेजिंग के ऊपर ले जा रहे हैं इनको और वापस नीचे भी छोड़ेंगे, और वो वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको, 800 rupees मांग रहे हैं उससे सामान तक ले जाने के लिए, ऐसे लेके जाएंगे आप पूरा खींच कर, और ये नीचे पूरा आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है ऊपर तक जाने में, खींच के जा रहे हैं टोटली एग्जॉस्टेड, मैं पता नहीं कितने राउंड करते हैं, बट आप पैदल भी इजीली जा सकते हो, हम पैदल पैदल जा रहे हैं, मुश्किल से 5-10 minutes लगेंगे इनके बराबर टाइम में आप पहुँच जाओगे ऊपर। Finally we have reached on the top. ऐसे स्कीइंग के राउंड भी कर सकते हैं आप, जैसे ये देखिए टाइट पकड़ के रखना है, स्कीइंग भी जा करेंगे, ये If you are coming here in summers, na, gum boots are of no use. Gum boots लोगों के ज़्यादा slip हो रहे हैं, मेरे भी वहाँ के normal shoes पहने हुए हैं, वो इतने skit नहीं हो रहे हैं, gum boots ज़्यादा slip हो रहे हैं। तो नीचे आप जैसे ही आते हैं वहाँ पे जैकेट्स और गम बूट्स वाले आके आपको बोल देंगे बहुत ठंड होगा सर, बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा ऊपर, आपके शूज़ ख़राब हो जाएंगे, पैंट ख़राब हो जाएगी, तो उस बात में ना आए आप और आराम से ही खुद शूज़ पहन के आ जाएं अपने खुद के, इतनी स्नो नहीं है अभी, बट हाँ ऊपर आके थोड़ी बहुत है, बस उसमें भी आपके शूज़ गंदे नहीं होंगे, और अगर ग्रिप वाले शूज़ है तो आप आराम से ऊपर तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ग्राउंड विंटर में यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ओके विंटर में तो पूरा एकदम स्नो रहता होगा, पूरा स्नो होता है एकदम से, कितने फीट तक, 10-15 feet तक। अब समर्स में तो हमको स्नो मिली नहीं, बट विंटर्स में कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं।